हाय टीनेजर्स, आजकल के बच्चों में मैंने एक बहुत कॉमन चीज देखी है दैट कॉन्फिडेंस इज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। ऑल्दो मुझे कई बार सुनने में अटपटा लगता है या मैं उनको कहती हूँ फर्क नहीं पड़ता, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, तमिल बोलिए, मराठी बोलिए, बंगाली बोलिए, फर्क नहीं पड़ता। बट यस, एक ये बात तो हमें माननी ही पड़ेगी कि ये दुनिया ग्लोबलाइजेशन की है और अगर एक ग्लोबल विलेज जो इनोवे कॉन्स्टेंटली श्रिंक होती जा रही है दुनिया और हम हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट वी आर टॉकिंग टू पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए विच हैज बिकम अ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें दुनिया भर के मैक्सिमम लोग कन्वर्स करते हैं, बातें करते हैं, एंड देन इनोवे ये हमारे कॉन्फिडेंस को जरूर बढ़ा सकती है या कम कर सकती है। तो आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 5 आपको टिप्स दूंगी जिनकी वजह से आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बेटर हो सकती है अगर अभी तक वो अच्छी नहीं थी। नंबर 1 टिप, जब भी हम घबराते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं, जब भी हमारे सामने वाला बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है और हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, हम बहुत फास्ट बोलने लग जाते हैं। आई फील ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी शुड नॉट स्पीक फास्ट, हमेशा सोचकर स्लोली बोलना चाहिए। इनफैक्ट हमारे दिमाग में हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम स्लो बोल रहे हैं तो सामने वाला हमें जज कर रहा है, सोच रहा है कि इसे इंग्लिश नहीं आता और हम बिल्कुल गड़बड़ कर बैठते हैं। जब हम कॉन्फिडेंस कम हो, जब हमें थॉट्स अपने दिमाग में जेनरेट करके बोलने में टाइम लगे, तो इनफैक्ट 99% लोग अपनी स्पीड को 1.5x ले जाते हैं और पूरा मम्बो जम्बो हो जाता है। ऐसा नहीं करना, सोचकर बोलना अच्छा लगता है। आप कितने बड़े पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लीडर्स को देखिए, बीच में पॉजेस ले लेते हैं। जब आप सोचकर बोल रहे हो तो अपनी स्पीड को 0.75x कर दो, गलती करते हैं लोग 1.5x कर देते हैं। दैट इज नंबर 1, स्पीक स्लोली। नंबर 2, बहुत लोग इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे कोई रटा हुआ तोता है, टक 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 करके बोलते हैं। ऐसा नहीं करना। व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग, अपनी बातों में थोड़ा ठहराव लाइए, अपनी बातों में थोड़े इमोशंस लाइए, पंक्चुएशंस लाइए। तो प्लीज डोंट डू द ब्लंडर कि आप पूरा कुछ एक साथ टक 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 करके बोल रहे हो। नहीं, ऐसा मत कीजिए, स्लोली पंक्चुएशन और इमोशंस के साथ बोलिए। नंबर 3, कई लोग जो नए नए इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, वो हर एक वर्ड पर स्ट्रेस कर देते हैं, दे स्ट्रेस अपॉन एवरी वर्ड। ऐसा नहीं करना, दे स्ट्रेस अपॉन एवरी वर्ड। तो आपको किसी कम वर्ड पर स्ट्रेस करना है, जैसे यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू गो आउट, तो किसी एक वर्ड पर आपने स्ट्रेस करना है या दो वर्ड पर, सब कुछ सारी चीजों पर आपको फोर्स लगाकर स्ट्रेस नहीं करना है। एक और चीज, कई बार बिकॉज इंग्लिश इज स्लाइटली आई विल यू नो से इट्स अ फनी लैंग्वेज, तो होता क्या है, जैसे साइकोलॉजी वर्ड है तो साइकोलॉजी वर्ड में पी साइलेंट है, तो बहुत लोग मिसप्रोनाउंस कर देते हैं, बोल नहीं पाते हैं, कहते पाइसाकोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आर आर में एच साइलेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड्स साइलेंट है और साइलेंट वर्ड्स को कभी प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। और इसके बाद मैं बहुत सारे टीनीफाई पे ऐसे वर्ड्स भी लेकर आऊंगी जो बहुत कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बीन BEEN है, बिन BIN है, शीप SHEEP है, शिप SHIP, तो एक हल्के से चेंज की वजह से इनकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दी स्मॉल निटी ग्रिटीज, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने इंग्लिश में कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, जो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस को कम कर रहा है। बट इफ यू आर एबल टू डू दिस, आई एम श्योर यू विल रॉक। जैसे आप बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छे हो, आप स्लोली स्टेडली इंग्लिश में भी अच्छे हो जाओगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो आप अपने को 3-4-5 महीने दीजिए, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू वेरी वेल। टेक केयर, बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।